तो दोस्तों हम यहाँ पे तो आ गए हैं, पर दिलराज भैया वो फिलहाल है नहीं, जयपुर गए हुए हैं। ये इनका यही स्टूडियो, ये इनका घर है दोस्तों। तो हम फिलहाल आ गए हैं अजमेर और यहाँ पे फैमिली साथ में है, तो स्नान पानी कर रहे हैं, तो मैं क्या कोई टुकड़ा डाल देता हूँ। ये रूम रखा हमने फिलहाल, एसी है। एक ये लड़का है मेरा है, ये जो मेरे भाई अयूब का लड़का है। ओए इंदली आसिफ ली, ओले 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 ओले। ये लड़का हमारे साथ में लाए हैं, फिलहाल हम आए हैं यहाँ पे दरगाह पे, तो आगे का रिव्यू बताते हैं। वो हमारी गाड़ी खड़ी है, ये खड़ी है स्विफ्ट डिजायर, ये खड़ी है ना वो। तो हम फिलहाल यहाँ पे आए हैं घूमने के लिए, होटल बुक की है। यही है, तो यहाँ पे गेट पे चेकिंग हो रही है। पाँच ये मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ कटिंग वगैरह चल रही है पार्क में, पानी की तो कोई कमी है ही नहीं यहाँ पे। मैं अयूब यूट्यूब से देख गई वीडियो, आप ही ब्लॉगिंग चल रही है। यहाँ पे कुछ दिख रहा है गोरिल्ला, जो आपको दिखाने जा रहा है कैसा बिल्कुल मजेदार सीन है। गोरिल्ले से पहले से डर लग रहा है, पर है रबड़ का, कुछ कर नहीं पाएगा। तो ये रहा गोरिल्ला इसके अंदर। कुछ कर नहीं पाएगा, खतरनाक है। तो यहाँ पे सब कुछ कर नहीं पाएगा, खतरनाक है। तो यहाँ पे सब ये रहा गोरिल्ला, इसके पैर बैर खतरनाक है। तो वाह क्या भरोसा, मोबाइल छीन ना ले। तो यहाँ से और रिव्यू बताने जा रहा है। तो यहाँ कुछ कैसा कैसा पेड़ है जो शायद आपने ना देखा हो, कुछ ऐसे फूल वगैरह है, है? कुछ कांटे जैसे नहीं लग रहा है, जैसे कांटा हो पर नहीं है। तो यहाँ पे एक डायनासोर भी है, डायनासोर। मैं पूरी ब्लॉगिंग ही कर रहा हूँ। यहाँ पे झोपड़िया वगैरह बनाई हुई है, यहाँ पे डायनासोर है जो, और डब्बों की बनाई हुई भी नाव है जो पीपड़ों से बनी हुई पहले देखी है। Thank you.
ये बांध रहा है, इसको बांधेगा तो खड़ी रहेगी। ये बांध दिया इसने, ओके है। ये काबू, ये हो गई बंद। अब जाएंगे इस तरफ और वहां से चढ़े थे यहाँ पे। माशाल्लाह क्या बहुत खूबसूरत नजारा है। हम इस तरफ जा रहे हैं अभी, वो अनसागर है, नहीं अनसागर सॉरी, तारागढ़, ये नाव जा रही है। तारागढ़ यहाँ से कम से कम 5-10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तो होगा ही, 5-10 से ऊपर होगा शायद, जो बहुत बड़ी पहाड़ी पे है। अभी बारिश का मौसम है, रिमझिम रिमझिम चल रही है। तो दोस्तों हम यहाँ से रवाना हो चुके हैं, अभी इसका आवाज बहुत खतरनाक है, तो हमें उस तरफ लेके जा रहा है। वाह कितना खूबसूरत नजारा है, जो आज से पहले बना हुआ है, ये राजा की तरफ से बना हुआ है। तो हम सोच रहे थे उससे हम उस तरफ जाएगी, पर नहीं, ये इस तरफ ही जा रही है। तो हम इस तरफ जा रहे हैं अभी, वो अनसागर है, नहीं अनसागर सॉरी, तारागढ़, ये नाव जा रही है। तारागढ़ यहाँ से कम से कम 5-10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तो होगा ही, 5-10 से ऊपर होगा शायद, जो बहुत बड़ी पहाड़ी पे है। अभी बारिश का मौसम है, रिमझिम रिमझिम चल रही है। मेन गेट से वापस निकल रहे हैं, सब सुविधा है, शौचालय वगैरह का नहीं है यहाँ पे सुविधा। स्वर्ण सागर घूम के वापस आ गए, यहाँ पे है जो ये तो हम यहाँ पे मेन गेट पे आ चुके हैं और वापस बाहर निकल रहे हैं दोस्तों। तो हमारा रिक्शा बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल यहाँ पे ये रिक्शा लेके हम आए थे और यही तैयार है हमारे लिए। तो भाई आप कुछ बोलना चाहते हो YouTube पे? भैया हमारा कहना है कि यह गाड़ी कितने में मिल जाती है, कैसी है? ये गाड़ी 1,56,000 में पड़ती है भाई। हाँ तो हम पड़ती है, हम नहीं जाते, शुरुआत बताना चाहते हैं इंसानों को, जीत गए। तो ये गाड़ी है, फिलहाल हम आए थे वहाँ से, हमारे पीछे वाला फोटो, हाँ पीछे वाला। तो ये लगता है सिद्धू मूसेवाला का फैन है। तब ये ई रिक्शा भी चलते हैं यहाँ अजमेर में, बहुत घोड़ा गाड़ी बहुत चलती है। तो इसको बांध के रखा है आंखों साइड से, तो हमसे यही ओवर टेक कर रही है भाई साहब, देख तो रही है, इसको आगे दिखाई दे रहा है, बाकी कुछ नहीं।
मजा आने वाला था, बहुत ही मजा आ गया हमको आना सागर पे। जो वहाँ पे बहुत घूमे ना, वहाँ बहुत ही बहुत मजा आ गया हमको। ये सब खड़े हैं, ये है, अरे वाह, मिट्टी के बना। प्रणाम ले ये चल। हल्दी क्या बंद हो गया? खान ले रहा है बद्दू और हवा में फायर कर रहा है भाई, कर रहा है फायरिंग। हाँ तो फोटो कुत्ता गदड़ा आशेप ठेठ सुधी चढ़े टुरदा है टुरदा ठेठ सुधी हक्के करो नमना ने ओदन कैसे बात जिगर बात है छोका। तो ये चढ़ाई है, ये लड़का है ना बिल्कुल चल रहा है रास्ते पूरा रास्ता। तो यहाँ पे जो पत्थर है जो घोड़ी ने डाबे से रोका था वो पत्थर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो फिलहाल दोस्तों यही है जो घोड़े ने रोका था ख्वाजा गरीब नवाज यहाँ पे नमाज कर रहे थे, और यही पत्थर है। ये दरगाह। तो दोस्तों हम फिलहाल तारागढ़ से नीचे उतर रहे हैं, अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की तरफ जा रहे हैं। तो हमने सिर्फ वहाँ पे होटल बुकिंग की है, वहाँ पे होटल पे रहेंगे। तो दोस्तों देखो आगे बहुत ख़तरनाक सीन होने वाला है। तो अभी अजमेर में हम यहाँ से जूम करते हैं तो देखो कितने छोटे छोटे कमरे दिखाई देते हैं, बहुत ही ख़तरनाक सीन है ये दोस्तों। यहाँ पे गाड़ियाँ लेके आना बहुत खतरे से खेलना है, फिर भी आते हैं तो यहाँ पे घूमने का टेस्ट लेते हैं। और यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल बरसात का मौसम होता है ना तो मज़ा ही और होता है, उस जैसा मज़ा कभी नहीं होता है दोस्तों। तो चैनल पे नए हो तो लाइक कर दो दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब कमेंट दोस्तों ज़रूर करना। तो यहाँ पे बिल्कुल ख़तरनाक रास्ता है,